हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए अमेरिकन मार्केट आज की डेट यानी कि 10 अप्रैल इंडियन मार्केट गुड फ्राइडे के अवसर पे यहाँ पे क्लोज है। लेकिन अमेरिकन मार्केट जो कल काफ़ी तेजी से उछल रही थी, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे हल्कापन देखने को मिला और क्लोज, ऑल दो वो ग्रीन ही क्लोज हुई, पॉजिटिव ही क्लोज हुई, बट जिस तरीके से सुबह वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी वो असर थोड़ा सा फीका पड़ा। बट उसका असर जो है वो पॉजिटिविटी का असर, आपने देखा होगा कि अमेरिकन मार्केट अभी के टाइम पे एक मेजर एक ड्राइवर का काम कर रही है और वो सारी पूरी ग्लोबल मार्केट्स को ड्राइव कर रही है। मतलब तो अमेरिकन मार्केट जिधर जिधर जा रही है ग्लोबल मार्केट्स उसको फॉलो कर रही हैं। और इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि अमेरिकन मार्केट रात को खुलती हैं, फिर सुबह उसका असर एशियन मार्केट पे देखने को मिलता है, फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर आता है। और अच्छी बात यह कि इंडिया आज जैसे क्लोज है, अब 2 दिन में आज जो कल का असर था या फिर आज जो अमेरिकन मार्केट शाम को खुलेगी और कल मंडे को जब आप देखोगे, उससे पहले आपके पास एशियन मार्केट का भी डेटा होगा। और जब एशियन मार्केट्स का भी आपके पास यहाँ पे डेटा होगा तो आप जायजा लगा सकते हो कि क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में मार्च एंडिंग से थोड़ा सा पॉजिटिव नोड में जरूर जा रही है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है अभी मार्केट्स तो आप पॉजिटिविटी देखोगे ही देखोगे, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स यहाँ पे अमेरिका का फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, बट इंटरनली हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मार्केट इन हालात को समझ के अभी गिरेगी, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। क्योंकि अभी हम जैसे अगर मार्केट को देखें आवरली पे चीजें थोड़ा थोड़ा करके, खास करके एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में जो तेजी है वो बरकरार है, और वो जनरली फॉलिंग मार्केट में सरवाइव करने वाले सेक्टर जो है वो एफएमसीजी सेक्टर है। और फार्मा इस बार देखिए जो इमरजेंसी है वो मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसलिए फार्मा जो है अच्छा रोल प्ले कर रहा है, एक पॉजिटिव वे पॉजिटिविटी दिखा रहा है फार्मा सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे दवाइयों की जरूरत है तो फार्मा का काम ही वो है, तो इसीलिए वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे बाकी सारा काम ठप पड़ा है फार्मा कंपनीज, तो वहाँ पे दवाइयों का प्रोडक्शन है वो चले जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चले जा रहा है क्योंकि उसका अभी चलना जरूरी है। लेकिन इंडिया के हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट्स आने वाले टाइम पे इन इस हिसाब से तेजी बरकरार इनमें रह सकती है। चलिए देखते हैं एक बार अमेरिकन मार्केट को, एशियन मार्केट को, फिर इंडिया के मार्केट पर नजर डालेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये नैसडेक का चार्ट है, किस तरीके से 285 पॉइंट्स अप होके ये जो है बंद हुआ है। लेकिन कल अगर मैं बात करूँ, जैसी ये मार्केट ओपन हुई थी तो 500-600 पॉइंट अप थी, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास डाउ जोन जा चुका था। देखिए ये नैसडेक 62 पॉइंट है, डाउ जोन सॉरी देखिए 300 पॉइंट के आसपास ये बंद हुआ है। लेकिन उसके बाद आप देखिए रात को एकदम यहाँ से गिरावट हुई और काफ़ी नीचे, ओपनिंग से भी नीचे ये गया, फिर थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग जरूर थी, आप देख सकते हो यहाँ पे नैसडेक के चार्ट को गैप अप ओपनिंग जरूर थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली। तो इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम पे चीजें देखने को मिल सकती हैं, अप डाउन काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरी तो यही राय है, अभी अगर आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कितना भी, अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगा के रखें। मार्केट अभी काफी, मार्केट का कोई, मैं कहूंगा अभी कोई डायरेक्शन अभी जरूर आवरली पर आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, खास करके एफएमसीजी और फार्मा तो फिर भी सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन बाकी स्टॉक्स, बाकी मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है इंडिया के अंदर, ऑलरेडी एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लग गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंसमेंट होने लग गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नैसडेक किस तरीके से गैप अप ओपनिंग थी, फिर अप हुआ, फिर एकदम देखिए नीचे, जैसा हम कह रहे थे कि ये जो है 50 EMA की लाइन है, 15 मिनट के आसपास की जो 15 मिनट की लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उसी इसके आसपास आके रिवर्सल हुआ, फिर एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि लोअर लो बनाया और वही 50 EMA जो 15 मिनट की ये लाइन है उसी के आसपास फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप देखें तो गैप था, जो गैप क्रिएट हुआ था सुबह से, सुबह जो गैप क्रिएट हुआ था गैप अप, वो फिल होके मार्केट उससे डाउन गई है, जो कि अपने आप में एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी अप साइड में सस्टेन करना थोड़ा सा टफ सिचुएशन लग रही है। बट अगर मैं अभी नैसडेक के ओवरऑल आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कि क्या कुछ चल रहा, ताकि आप समझ पाओ, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जरूर लोअर हाई, लोअर लो, जरूर हायर हाई, हायर हाई, देखिए हायर हाई और हायर लो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे करेक्शन और यहाँ पे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से पॉजिटिविटी यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में 23 मार्च के लो के बाद देखने को मिली, वो काबिले तारीफ है। ये मान के चलिए कि 6780 से 8238 के आसपास ये नैसडेक आ चुका है। बट इंपॉर्टेंट बात, अभी अगर आप देखो ये डेली पे चीजें देखने को मिल रही है, पॉजिटिविटी अगर मैं वीकली पे देखूं तो वीकली पे अभी जस्ट एक, मान के चले कि एक जिस तरीके से मार्केट गिरा था ये ऑलमोस्ट 10,000 की, 9,700 की रेंज से गिर के 6,700 पे आया था, 3,000 पॉइंट से डाउन गया था, उसके बाद एक फर्स्ट लेग दिखा है।
ये अगर आप वीकली पे देखो, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, चाहे निफ्टी की बात करो, नेस्डेक की बात करो, डाउ जोन्स की बात करो, तो वीकली पे अभी ये करेक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। करेक्टिव आप समझिए, इम्पल्स के बाद करेक्टिव, और ये करेक्टिव ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि 1/3 ऑफ द इम्पल्स तक ट्रैवल कर सकता है मैक्सिमम। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाला सिचुएशन जो है कहीं इस तरीके से ना हो जाए मार्केट के लिए। तो आपको तैयार रहना, अगर किसी भी स्टॉक में, चाहे आप आवरली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने स्टॉप लॉसेस रेडी रखना, ताकि आप टाइमली प्रॉफिट भी बुक कर पाएं या फिर टाइमली निकल भी पाएं। क्योंकि आगे की कंडीशन जो मैं इंडिया में देख पा रहा हूँ, वो सिचुएशन काफी वर्स्ट नजर, 7,000 के पास केसेस जा चुके हैं, 229 टोटल डेथ रेट। देखिए अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, तो देखिए अमेरिका में ऑलमोस्ट 4,68,000, थोड़ा नंबर्स, नए नंबर्स में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन डेथ 17,000 के पास ये पहुंच चुका है डेथ का आंकड़ा। अगर आप इटली के बाद देखोगे तो अमेरिका ही दूसरे नंबर पे आ चुका है, लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें, क्योंकि इंडिया के पास हमारे पास लोकल नंबर है, तो 229 डेथ बहुत ज़्यादा होता है। डेथ का परसेंटेज ग्लोबल लेवल पे 21% है क्लोज्ड केसेस का, और इंडिया के अंदर ये नंबर देखिए, आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज हम यहाँ पे जो निकालते हैं वो ऑलमोस्ट जो केसेस, टोटल केसेस जो जिनका रिजल्ट आ चुका है, या तो रिकवर हो चुके हैं या फिर डेथ हो चुकी है, उन्हीं के निकालोगे। क्योंकि ये कन्फर्म जो केसेज है, जो एक्टिव केसेज हैं, उनका अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी वो या तो रिकवर या डेथ का उनका कोई भी आंकड़ा अभी पता नहीं है, इसलिए वो अभी एक्टिव केसेज है, उनको साइड कर लीजिए। लेकिन क्लोज्ड केसेस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ऑलमोस्ट 26% का ये आंकड़ा देख रहा है। परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, 229 बाय टोटल, आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, इसको हिसाब लगा सकते हो, आपके ऑलमोस्ट 869 के आसपास है। अगर आप देखोगे ये तो 26% के आसपास बैठ रहा है। रिकवरी की परसेंटेज टोटल केसेस में अगर मैं बात करूं, तो ये 74% रिकवरी है, और 26% जो कि वर्ल्ड लेवल से कहीं ज़्यादा है। वर्ल्ड पे ये 21% का डेथ रेट है, इंडिया के अंदर 26% का डेथ रेट है। इसीलिए इंडिया में मैं कह रहा हूँ कि हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मुंबई से न्यूज़ आ रही है कि धारावी में एंटर कर चुका है। अब आप सोचिए कितना हाईली, मैं कहूँगा कितना हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे, और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल आपको नजर आएगी। फिलहाल लॉकडाउन की कंडीशन जो है, देखिए लॉकडाउन बढ़ता जा सकता है। अभी 30 अप्रैल तक मुझे लगता है कि लॉकडाउन स्टेट्स अनाउंस करेंगे, और जहां तक खबर आ रही है, उड़ीसा ने ये ऑलरेडी 30 अप्रैल तक अनाउंस कर दिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे वो भी एक्सटेंड करेंगे, उन्होंने रिकमेंड किया, आप सेंटर के ऊपर डिपेंड है। महाराष्ट्र इज द, मैं कहूँगा सबसे बुरी हालत जहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल रही है, जहाँ पे 98 डेथ। जरा आप सोचिए, 125 रिकवर हुए हैं, 98 डेथ है, परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकवरी की परसेंटेज कितनी है टोटल में से, 98 डेथ और 125 रिकवरी मात्र, ये आपको दिखेगा कि ये तो 50% से भी ज़्यादा आपको ये आंकड़ा दिखेगा। इन आंकड़ों को देखोगे तो तब आपको लगेगा हाँ भाई, सिचुएशन काफी खतरनाक है, और जो अभी मार्केट में पैसा पंप हो रहा है वो कहीं बड़ी गिरावट के लिए। देखिए 125.98, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 40% से ऊपर, 43% के आसपास जा रहा है ये डेथ रेट महाराष्ट्र में, जो कि नॉर्मल इंडिया में 26% से भी कहीं ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात जरूर है, समझने वाली बात जरूर है कि महाराष्ट्र में इतनी डेथ। अगर आप देखो रिकवर 125 हुए, 98 डेथ हुए हैं, यानी कि क्लोज्ड केसेस के नंबर के हिसाब से 43%। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हम जो केसेस की बात कर रहे हैं वो क्लोज्ड केसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो एक्टिव केसेस है उनका भी हमें पता नहीं है वो रिकवर होंगे या डेथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियस भी होंगे यहाँ पे। और जो खबरें आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और क्रूड ऑयल को अगर मैं देखूँ तो 9% कल की डेट में गिरा है, और ब्रेंट क्रूड 4% गिरा है, WTI 9% गिरा है। यानी कि क्रूड ऑयल के जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं कि भाई जो नंबर्स हैं वो डिमांड जो है वो काफी स्लो हो रही है, और आने वाले टाइम पे और स्लो अगर इस तरीके से चीजें रहती जाती है, चीजें इन द सेंस कि डिमांड है जो लॉकडाउन की कंडीशन बनी रहेगी, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल पे उसका असर पड़ेगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से जितनी भी फ्लाइट हैं सब ग्राउंडेड हैं, जितने भी इंडिया के अंदर पूरे के पूरे ट्रक्स हैं वो ग्राउंडेड हैं, मतलब वो चल ही नहीं रहे, ग्राउंडेड तो है ही है, चल ही नहीं रहे, बंद पड़े हैं, खाली इंपॉर्टेंट सामान वाली चीज़ें वही चल रही हैं। तो कितना क्रूड ऑयल के कंजम्पशन में कितनी स्लोनेस है, मतलब ना के बराबर की यहाँ पे जो है कंजम्पशन है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ये आपको दिख रही है, अभी आंकड़े दिख रहे हैं, ये आंकड़े जो है गिरावट आने वाले टाइम पे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं निफ्टी के हालात देख पा रहा हूँ, देखिए आप देखिए ये डेली चार्ट है निफ्टी का, जो 7500 के आसपास का लो बनाया था, उसके बाद रिकवरी अभी पीक पे जाने की सेकेंड डे कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अब अमेरिकन मार्केट जिस तरीके से आज रिएक्ट करेंगे और एशियन मार्केट मंडे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद ही ये पता चलेगा। लेकिन ग्लोबल कंडीशन इंडिया की ठीक लग नहीं रही है, और अभी जो FYI
आरबीआई ने जो पैसा यहाँ पे पंप करना अप्रैल में स्टार्ट किया है उसकी वजह से ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल निफ्टी जो है हायर लो डेली पे बनने के बाद हायर हाई की तरफ मूव कर रहा है और ऑलमोस्ट बिल्कुल ब्रेकआउट पोजीशन पे है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा यहाँ पे बार बार कहता हूँ कि अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर आप सोच रहे हो किसी में भी इन्वेस्ट करना तो उन बिजनेसेस की तरफ जाएं जो कि कैश रिच कंपनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो डेट की कंडीशन होगी ना, डेट वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनीज के ऊपर उधार बहुत बढ़ने वाला है, कंपनीज के बिजनेस ठप पड़े हैं तो वो किस तरीके से उसको, जिसके पास पैसा है वो तो फिर भी सर्वाइव कर पाएगा लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वहां पे बड़ी इशू आएगा उसको अपने उधार को यानी कि डेट को जो है चुकाने के ऊपर। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान देना, चाहे आप छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, डेट फ्री कंपनी के ऊपर फोकस रखना क्योंकि एफआईआई भी उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। डेट फ्री बाटा जैसी कंपनीज, डेट फ्री एशियन पेंट्स जैसी कंपनी, मतलब बहुत सारे और अच्छे बिजनेसेस पे ही फोकस रखना। सबसे पहले ये सोचना, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस की सोचना, स्टॉक की मत सोचना कि ये बिजनेस करेगा क्या, क्या आने वाले टाइम पे ये सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि सिचुएशन अभी चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो स्कूल्स एंड और लर्निंग को आप देखिए, सब कुछ ऑनलाइन में लर्निंग में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसी पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा माइंड को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच के इन्वेस्ट करना, चाहे आप 10 शेयर ले रहे हो या 5 शेयर ले रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो फिर बिजनेस ओवरव्यू से ही सोचना। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।